हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू तिवारी एकेडमी अब हम क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन सॉल्व करते हैं इसमें यह होना है साइन इनवर्स वन माइनस एक्स माइनस ट्वाइस ऑफ साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स पाई बाई टू देन एक्स इज इक्वल टू आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है तो ये है साइन इनवर्स वन माइनस एक्स माइनस टू साइन इनवर्स एक्स इक्व पाई बाई टू तो इसमें साइन इनवर्स एक्स को ज्यूम करते हैं थीटा लेट साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स थीटा तो यहां से साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी एक्स तो इस ये इक्वेशन क्या बन जाएगी साइन इनवर्स वन माइनस एक्स मतलब वन माइनस साइन थीटा माइनस टू थीटा इक्वल्स पाई बाई टू तो यहां से आएगा साइन इनवर्स वन माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू थीटा को शिफ्ट कर देंगे राइट right में पाई बाई टू प्लस टू थीटा अब साइन इनवर्स इसकी वैल्यू पाई बाई टू प्लस टू थीटा है तो साइन इनवर्स को हटा के यहाँ पे साइन ले सकते हैं वन माइनस साइन थीटा एक साइन ऑफ पाई बाय टू प्लस टू थीटा ये वैल्यू आएगी वन माइनस साइन थीटा अब साइन ऑफ पाई बाई टू प्लस कोई एंगल क्या होता है कॉस ऑफ दैट एंगल तो हो जाएगा कॉस ऑफ टू थीटा तो यहाँ से आया वन माइनस साइन थीटा इक्वल्स कॉस ऑफ या फिर हम लिख सकते हैं कॉस टू थीटा को वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा अब वन से वन कैंसिल तो यहाँ से आ जाएगा और माइनस से माइनस भी कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा साइन थीटा इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा तो इसको शिफ्ट कर देते हैं राइट right में टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल्स जीरो साइन थीटा कॉमन ले सकते हैं साइन थीटा कॉमन लिया तो टू साइन थीटा माइनस वन इक्वल्स जीरो अब दो फैक्टर्स आ गए या तो साइन थीटा जीरो होगा या फिर टू साइन थीटा माइनस वन ज़ीरो होगा साइन थीटा इक्वल जीरो और टू साइन थीटा माइनस वन इक्वल जीरो अब साइन थीटा आपका एक्स था तो यहाँ से x की वैल्यू ज़ीरो और 2x एक्स माइनस वन इक्वल्स ज़ीरो एक्स इक्वल्स वन बाई टू तो या तो x की वैल्यू ज़ीरो होगी या वन बाई टू होगी तो इसमें चेक कर लेते हैं ओरिजिनल इक्वेशन में यह है साइनवर्स वन माइनस एक्स माइनस टू साइन इनवर्स एक्स अब हम ज़ीरो इसमें प्लेस करेंगे तो साइनवर्स वन इसमें x इक्व टू ज़ीरो चेक कर रहे हैं तो यह बनेगा साइनवर्स वन जो होगा पाई बाई टू माइनस टू साइन इनवर्स जीरो वो वैल्यू जीरो होगी वो राइट हैंड साइड पाई बाई टू के इक्वल आ रही है तो एक्स इक्वास टू जीरो तो करेक्ट है अब एक्स इक्व टू वन बाई टू को चेक करते हैं ये आएगा लेफ्ट हैंड साइड में साइन इनवर्स वन माइनस वन बाई टू मतलब साइन इनवर्स वन बाई टू वो होगा पाई बाई सिक्स माइनस ट्वाइस ऑफ साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स वन बाई टू होगा पाई बाई सिक्स तो एल एच एस होगा पाई बाई सिक्स माइनस फाइव बाई थ्री अब ये पाई बाई टू के इक्वल तो नहीं होगा तो वन बाई टू आपका आंसर रिजेक्ट हो जाएगा तो आंसर सिर्फ एक ही आएगा एक्स इक्व टू जीरो तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो गया तो अब क्वेश्चन नंबर सेवनटीन देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन में है टेन इनवर्स एक्स अपॉन वाई माइनस टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू इसकी वैल्यू आपको बतानी है यह टेन इनवर्स एक्स अपॉन वाई माइनस टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई अब इसमें टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगाएंगे ये फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन वन प्लस एक्स इंटू वाई अभी आपका एक्स की तरह ट्रीट होगा ये वाई की तरह तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई मतलब एक्स अपॉन वाई माइनस एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई अपॉन वन प्लस एक्स इंटू वाई एक्स अपॉन वाई इंटू एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई तो अब इनमें एलसीएम देते हैं ये वैल्यू आएगी टेन इनवर्स एलसीएम लिया तो वाई एक्स प्लस वाई एक्स इंटू एक्स प्लस वाई माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई होल अपॉन इसमें एल सी में आएगा वाई इंटू एक्स प्लस वाई और न्यूमेटर में वाई इंटू एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू एक्स माइनस वाई अब वाई इंटू एक्स प्लस वाई ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे और ये आएगा टेन इन्वर्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई अब एक्स वाई माइनस एक्स वाई कैंसिल और इनोमीटर में एक्स वाई माइनस एक्स वाई कैंसिल टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये वैल्यू आ जाएगी वन टेन इनवर्स वन और ये वैल्यू होती है पाई बाई फोर अब ऑप्शन देखते हैं पाई बाई फोर ऑप्शन सी है तो ऑप्शन सी इज करेक्ट So option C is correct.